सत्ता में हम आए हैं बदलाव के लिए, हम सत्ता में यथा स्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। लगा कि हम इस व्यवस्था के लिए फिट नहीं है, मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं कहा। जब आपके हॉस्पिटल को बहुत जल्दी ही हम चलवाने का काम करेंगे। सत्ता के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, चिरौरी और मिन्नतें करना पड़ रहा है, हिस्सा है उस सत्ता की। लेकिन सत्ता में हम आए हैं बदलाव के लिए, हम सत्ता में यथा स्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। कम से कम मुझसे अपेक्षा लोगों को नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों ने लगा कि हम इस व्यवस्था के लिए फिट नहीं हैं, मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं कहा किया, हमको अलविदा करने में देर नहीं किया। हजारों लोग बैठे हैं यहाँ, वो लोग हैं जो राष्ट्र को बनाने में, इस राज्य को बनाने में जिनका कुर्बानी है। आज हम नाना भगत के वंशज, हम इसे देश की स्वतंत्रता आंदोलन के बिरसा मुंडा के वंशज, आज इस पहाड़ों में जो देश के निर्माण के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया था, उस समाज के लोगों को आज अपने छोटी जरूरतों के लिए भी सत्ता के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, चिरौरी और मिन्नतें करना पड़ रहा है। क्या उसके बाद भी हुक्मरान जो बैठे हैं, जो सरकारी नौकरी में बैठे लोग हैं, वह मालिक के भाव से उधर आते हैं, बड़े कृपा करके यहाँ आते हैं, ज़्यादातर तो पोस्टिंग लेकर कभी आते ही नहीं। हॉस्पिटल बने थे लोगों के इलाज के लिए, लेकिन हॉस्पिटल पुलिस बैरक में तब्दील हो गया। बैरक कहीं भी बन सकता है पुलिस का, लेकिन कई बार विधानसभा में बोलने के बाद भी आज तक वह बैरक नहीं हटा। इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता सरकार में क्या हो सकता है। तब हमारी सरकार जो बनी है, इस सरकार को लेकर के मैं जरूर आपको आश्वासन दूंगा कि हम आपके हॉस्पिटल को बहुत जल्दी ही हम चलवाने का काम करेंगे। जरूरत की सुविधाओं में हासिल करने के लिए जरूरत पड़ेगा तो हम नए भवन का भी निर्माण की जरूरत पड़ेगी तो हम नए भवन का भी निर्माण यहाँ कर करके हॉस्पिटल को चलवाने का काम करेंगे। हमारे कई ऐसे सवाल जो हम कृषि विभाग के मंत्री थे, पिछले 45 दिनों में हमने अधौरा की खेती और गृहस्थी को, जो सबसे बड़ा बड़ा मूल पेशा है, कैसे उसमें बदलाव आए, उसके लिए हम कई योजनाओं के जरिए हम आप बदलाव लाएंगे। वो हमारी योजना है, वो हमारा जल छाजन के जरिए, केवल जल छाजन में जो केवल पानी की व्यवस्था तक सीमित था, उसमें हमने जुड़वा दिया इस बार कि हम बाग भी लगाएंगे, बागवानी जिसको बोलते हैं, हम फल लगने वाले पेड़ों को भी लगवाएंगे, हर गांव में जितनी जरूरत होगी सबके लिए लगवाएंगे कि एक आमदनी का जरिया बढ़ेगा। दूसरा, हमने उसमें बदलाव लाया कि हमारे जो गौवंश हैं, जो सैकड़ों हजारों साल से जो 1 लीटर आधा लीटर दूध वाले हैं, उनके लिए हम